धूमधाम से मनाया गया भुवनेश्वर डीआरसी का 7वां वार्षिकोत्सव। तो उड़ीसा जटनी में सेवा के 50 साल पूरे होने पर हुआ गोल्डन सेलिब्रेशन। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में 2 दिवसीय शाकाहार और पोषण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन। ओडिशा के डिवाइन रिट्रीट सेंटर की 7वीं वर्षगांठ पर आध्यात्मिक मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें 5,000 से ज्यादा बी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही आदि रत्न संदेशी दादी के 16वें स्वर्गारोहण दिवस पर सभी ने उनकी सेवाओं को याद किया। वहीं दूसरी ओर ओडिशा के जटनी में कटक सबजोन की डायरेक्टर बीके डॉक्टर कमलेश दीदी की सेवाओं के 50 साल पूरे होने की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया। साथ ही जटनी सेवा केंद्र के नव निर्मित राजयोग भवन का उद्घाटन भी किया गया। ओडिशा के मेंधासल में प्रकृति की गोद में बसे डिवाइन रिट्रीट सेंटर के 7 साल पूरे होने पर वार्षिक उत्सव मनाया गया। तो ओडिशा की सेवाओं का आधार रखने वाली संदेशी दादी के 16वें स्मृति दिवस पर हजारों भाई बहनों ने दादी की यादों को ताजा किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भुवनेश्वर सबजोन की निदेशक बी के लीना दीदी की ओर से किया गया। इस मौके पर संस्था की वरिष्ठ दीदियों समेत जयदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अरविंद ढाली भी मौजूद रहे। दूसरी ओर जटनी शहर में कटक सबजोन की डायरेक्टर बीके डॉक्टर कमलेश दीदी की सेवाओं के 50 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं कमलेश दीदी को मारवाड़ी महिला समिति और जटनी पौर परिषद की ह्यूमन राइट संस्था की ओर से मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद अपराजिता सडंगी, मेंबर लोकायुक्त देवव्रत स्वैन समेत बीके केदार भाई, अखिल भाई, मधुसूदन भाई समेत कई लोग मौजूद रहे। चेन्नई के ब्रह्मा कुमारीज हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर आधारित पोषण और स्वास्थ्य देखभाल विषय पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह प्रोग्राम इंटरनेशनल वेजिटेशन यूनियन और इंटरनेशनल वेजन अलायंस और ब्रह्मा कुमारीज तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। इस उद्घाटन समारोह के दौरान जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बी के बीना दीदी, डॉक्टर सीवी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय वेजिटेशन यूनियन ब्राजील की प्रमुख मार्ली विंकलर, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, दियाना मंडपम के जीडी कृष्ण कुमार विशेष तौर पर शामिल रहे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई प्लेनरी सेशन में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस दौरान विभिन्न वनस्पति और प्राकृतिक भोजन को तैयार करने का प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही विभिन्न पाक कला प्रतियोगिताएं भी रखी गई थीं। कार्यक्रम में देश विदेश से 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से बीके सुनीता दीदी और बीके डॉक्टर सुनीता पांडे ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी से मुलाकात की और मंत्री जी को संस्था के कृषि एवं ग्राम विकास विंग की ओर से कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे उन्नत प्रयासों से अवगत कराया। वहीं बीके सुनीता दीदी और बीके हीना बहन ने ईश्वरीय सौगात देकर मंत्री जी को सम्मानित भी किया।
ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र बनेपा की सिल्वर जुबली धूमधाम से मनाई गई। विश्व शांति अनुभूति भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खास बीके राज दीदी ने शामिल होकर अपने आशीर्वचन दिए। समारोह के विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री एवं सांसद गोकुल प्रसाद बासकोटा रहे। उन्होंने कहा कि मानव की सच्ची सेवा के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों को निस्वार्थ और निष्काम भाव को धारण करना जरूरी है। इसी प्रकार प्रदेश सभा के सभासद एमएलए कंचन चंद्र वांदे, जिला समन्वय समिति के प्रमुख दीपक गौतम बनेपा, नगर पालिका के मेयर शांति रत्न साक्य, पतंजलि योग समिति बागमती प्रदेश के प्रमुख ग्रेविन तोजो से कार्यक्रम में विशेष तौर पर शामिल हुए और संस्था के समाज सुधार के कार्यों की प्रशंसा की। समारोह में राज दीदी ने प्रमुख अतिथियों को अभिनंदन पत्र के साथ सम्मान किया। समारोह की अध्यक्षता बीके किरण दीदी ने की। जयपुर राजा पार्क सेवा केंद्र एवं ब्रह्मा कुमारी समाज सेवा प्रभाग की ओर से दीपावली स्नेह मिलन सुखी जीवन एवं सुखी समाज विषय पर कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में जयपुर सब जोन इंचार्ज बी के पूनम दीदी, मोटिवेशनल स्पीकर बी के ईवी स्वामीनाथन भाई, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, प्रबंधक निर्देशक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक भोमाराम, पुलिस कमिश्नर जयपुर बीजू जॉर्ज जोसेफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके पूनम दीदी ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य भी सभी को बताया। हम सबके अंदर पांच विकार, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि है। इनको भी हमें निकालना है और विचारों में जो इतना आ गया है प्रदूषण, विचारों में इतना मैलापन है, उसको भी बाहर करना है। वही मुख्य वक्ता बी के स्वामीनाथन भाई ने कहा कि खुद को हैप्पी बनाने के साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी हैप्पी बनाना है। बीजू जॉर्ज जोसेफ जी एवं भोमाराम जी ने अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की। और आत्मा से यदि लगाव रखते हैं तो संभवतः है। हमारी जो संतुष्टि है उसको यदि हम सोच स्थिति पर रखते हैं तो संभवतः हम सुखी रहेंगे। इसलिए हम हैप्पी दिवाली बोलते रहते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन आजकल वो खुशी मिलती क्यों नहीं है कि कहीं ना कहीं पूरे समाज में जो सिचुएशन है इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक। मुंबई की बीके श्रेया बहन को बीमा एजेंटों के 18वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष तौर पर भाषण के लिए आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम सायन के श्री षणमुखानंद ललित कला हॉल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बीके श्रेया ने सभी बीमा पेशेवरों को अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करने के महत्व को बताया। कार्यक्रम में लगभग 3,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आईओई ग्रुप ऑफ कंपनीज के लीडर मुकेश जोशी और कंपनीज के संस्थापक अध्यक्ष दीपक जोशी विशेष तौर पर मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।